आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र में बीते दिवस दो युवकों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अमहा वासुदेव निवासी दीनदयाल सेन बीते दिवस अपने गांव में ही एक दुकान में बैठा हुआ था, तभी आरोपी रामरक्षा यादव और संतोष यादव से उसका विवाद हो गया। गाली गलौज करने के बाद आरोपी वहां से चले गए। घायल दीनदयाल सेन ने बताया कि कुछ ही समय में दोनों आरोपी वापस आए और उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपियों के द्वारा चाकू से किए गए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। घटना बीते दिवस दोपहर की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। क्या नाम है? दीनदयाल नाई। क्या घटना आपके साथ? घटना हमारे साथ चाकू मारा गया। कहाँ की घटना? अमहाबासदेव हनुमना जी दादी थाना हनुमना। कितने बजे की? 10 बजे। कौन मारा है? रामदक्षा यादव और संतोष कुमार यादव। कारण क्यों? कारण सर, मैं दुकान पर बैठे थे और मेरे को मारा। मैं बोला क्यों मारा, तो चाकू लेके आया, फिर मार दिया। रिपोर्ट कर दी हो? जी सर।